सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल जो है 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के वकील ने कहा कि वे केस में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो है ईडी से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए, 6 महीने तक वे जेल में रहे। ईडी ने अदालत से कहा कि हमें कोई इतराज नहीं है। इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया। आप नेता संजय सिंह की जमानत को लेकर कोर्ट ने ईडी से यह 5 सवाल किया, जिसके बाद संजय सिंह को जमानत दे दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति पीबी वारले की बेंच ने ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू से कहा कि इस मामले में हम 2 बजे निर्देश देंगे। बेंच ने कहा था कि ईडी हमें यह बताए क्या संजय सिंह को अभी भी कस्टडी में रखे जाने की जरूरत है, वो 6 महीने से जेल में है। अदालत ने कहा कि संजय सिंह के पास से अभी तक कोई पैसा बरामद नहीं किया गया है। 2 करोड़ की घूस लेने के मामले में भी ट्रायल के दौरान उनसे पूछताछ हुई है। संजय सिंह ने कहा कि कस्टडी में 3 महीने से भी ज्यादा का अरसा गुजर गया है और इस मामले में मेरा कोई रोल नहीं निकला है। कोर्ट में 2 बजे दोबारा सुनवाई शुरू हुई। ईडी ने कहा कि हमें बेल पर कोई एतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बेल दे दिया। दो कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने ये कहा कि भाई जैसा आर्ग्यूमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी आई, ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। सर कोई कंडीशन भी लगाया गया है? कोई कंडीशन नहीं है। जो जमानत की राशि को लेकर जहां तक बात है और कितने जमानती होंगी उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट को बोला है वो निर्धारित करेगा। कोई रोक ठोक नहीं है। ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है, वो पॉलिटिकल पर्सन है, उनको पूरा हक है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट। देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय का मैं धन्यवाद करता हूं कि आखिरकार सच की जीत हुई। उच्चतम न्यायालय ने भी देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बना दिया था एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट। आज ये बात सिद्ध हो गया कि भाजपा के ईडी के पास कोई सबूत नहीं हमारे खिलाफ, कोई ग्राउंड नहीं हमारे खिलाफ, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के दबाव में हमें जेल में रख रहे थे। तो आज सच की जीत हुई है, झूठ का हार हुआ है, भाजपा झूठ का पर्यायवाची बन गया है और भाजपा ने हर वक्त ईडी का मिसयूज राजनीतिक कारणों से किया, आज ये सिद्ध हो गया है। दिल्ली शराब घोटाले केस में इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम जो है गलती से जोड़ दिया है। ईडी ने इस पर कहा हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जो है 4 जगह लिखा गया है, इनमें से 3 जगह नाम सही लिखा गया है, सिर्फ 1 जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि लंच के पहले और लंच के बाद जो है 2 कार्रवाई हुई है। लंच के पहले कोर्ट ने कहा कि जैसी बहस हुई है उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, आप इस पर निर्देश लेकर आएं और बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये आपके यानी ईडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस पर ईडी ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बिल दे दिया जाए। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ईडी उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली की शराब नीति में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट
2 मई को जारी की गई थी, जिसमें अब सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।